अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स पर सबा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है आई मेकअप बोर्ड के रिव्यू के हवाले से, और अपने प्रीवियस दराज हॉल के वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाई थी इस पैकेट की, और इसकी प्राइस भी बताई थी, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकी थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कम्प्लीट रिव्यू दूंगी, और इसके ऊपर मैंने आई मेकअप प्रैक्टिस भी की थी। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टा हैंडल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी जनाब, तो देख सकते हैं कि ये है वो मेकअप लुक जो मैंने इस डमी के ऊपर ट्राई किया। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आगे जाके इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इसकी मैं पैकेजिंग की बात कर लेती हूँ, जो कि मैं दराज शॉपिंग हॉल की वीडियो में अनबॉक्सिंग इसकी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसकी पैकेजिंग जो है वो किस तरह से मुझे रिसीव हुआ था वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और प्राइस डिटेल्स भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये मुझे काफी रीजनेबल रेट पर मिल गई थी, और ये इस तरह के डब्बे के अंदर जो है वो रिसीव होता है, और ये का बना हुआ है। एक तो इसके अंदर ये डमी आई मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड है, और इस डब्बे के अंदर, और साथ में ये मेकअप रिमूवर काइंड ऑफ एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि इसकी क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। तो ये सिलिकन का इसका बेस है, मटेरियल है, इसको मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। इस पर जो है वो काफी शाइनी सा इसका टेक्सचर है, और स्किन लाइक टेक्सचर है इसका। जैसे स्किन पर हमारे पोर्स होते हैं, इसी तरह से इसके ऊपर भी पोर्स दिए हुए हैं, टेक्सचर्ड इसकी स्किन है। बैक साइड है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये बिल्कुल जो बैक साइड है इसकी प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है, और इसके साइड कॉर्नर में मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर एक लेयर जो है, यानी को जो बैक साइड है प्लास्टिक नजर आ रहा है आपको, और जो इसकी फ्रंट साइड है वो सिलिकन की पूरी एक लेयर आपको नजर आ रही होगी। तो क्वालिटी इसकी मुझे काफी मजबूत लग रही है, अच्छा है ये क्वालिटी में, और काफी शाइनी सा इसका टेक्सचर है। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन दी हुई है, आईब्रोज बनी हुई नहीं है। ये अच्छी बात है कि अगर आप मेकअप लर्नर हैं और बिगनर हैं तो आपको आई मेकअप के साथ साथ आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस भी, शेप कैसे करनी है, फिलिंग कैसे करनी है आईब्रोज की, तो वो भी प्रैक्टिस आप इस आई मेकअप डमी बोर्ड पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है आईब्रोज के लिए कि आप इजिली यहाँ से स्टार्ट करके अपनी आईब्रोज की शेप बना सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक इसके पैकेट के अंदर जो है एक सॉल्यूशन भी आता है, जिसको हम मेकअप को रिमूव करने के लिए, इसकी क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोर्स हैं इसके अंदर काफी, जिनकी क्लीनिंग जो है वो काफी जरूरी होगी, क्योंकि मेकअप जो है वो काफी अंदर जो है वो पोर्स के जा सकता है, तो उसकी क्लीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से जरूरी होगी इसे रीयूज करने के लिए। तो जिन्हें आईब्रो बनाने के लिए इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो वो एक ही दफा में जो है वो आईब्रो बनाकर रख सकते हैं। आई मेकअप की प्रैक्टिस के लिए आप इसको साफ करके, क्लीन करके रीयूज कर सकते हैं। आप ये लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो कॉटन पैड पर लेकर, और इसकी सरफेस की जो है वो अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, पोर्स की अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और ओवरऑल मुझे ये दिखने में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। इस पर मैंने आईब्रो शेप के लिए भी एक ट्यूटोरियल वीडियो रिकॉर्ड की, और आई मेकअप लुक भी सिंपल इससे क्रिएट की, ताकि मैं इसकी जो क्वालिटी है मजीद देख सकूं कि कितनी अच्छी है, मेकअप कितने अच्छे से इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है और ब्लेंड हो रहा है। तो वीडियो जो है वो काफी लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को तीन डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो ये वाली जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ जो है वो सिर्फ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में जो है इंशाल्लाह आई मेकअप जो ये लुक मैंने क्रिएट किया है, ये कम्प्लीट डिटेल्ड आई मेकअप ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा, और फिर आईब्रो के भी ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो आने वाली है। प्लीज स्टे ट्यून्ड। मैं मोस्टली जो है वो वेंसडे और सैटरडे को ही वीडियोस अपलोड करती हूँ, और बीच में कभी कभी जो है एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। मजीद आई मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इतना बस मैं बताती चलूँ कि मेकअप जो है वो इसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस इज अ गुड ऑप्शन मेकअप प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा जो फाइनल रिव्यू है वो यही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टा हैंडल को जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब मिलूंगी आपसे इजाजत, ये छोटा सा रिव्यू था आज के वीडियो का, और अब मिलूंगी आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।